हॉकी का वो खिलाड़ी जो कभी देश का झंडा लेकर और हॉकी की स्टिक लेकर जब मैदान में उतरता था तो अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ा देता था, लेकिन वक्त ऐसा बदला, उस खिलाड़ी को हॉकी के मैदान की बजाय अनाज मंडी में बोरियां ढोनी पड़ी। लेकिन जब ये खबर इंडिया टुडे पर दिखाई गई, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संज्ञान लिया और परमजीत कुमार, जिन्हें आप हमारे साथ बैठा हुआ देख सकते हैं, अब बतौर खेल विभाग में चयनित हो गए हैं। मुख्यमंत्री मान ने अपने हाथों से उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है। मान साहब, खेलों के प्रति आपकी जो आस्था कह सकते हैं, दीवानगी कह सकते हैं या आपका प्रेम कह सकते हैं, वो तो जग जाहिर है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि परमजीत कुमार जैसे और भी खिलाड़ी होंगे तो पूरे खेल का भला कैसे किया जाएगा? देखो, इसमें स्पोर्ट्स में हमने बजट बहुत बढ़ाया है इस बार। खेल वतन पंजाब के हमने एक चलाया प्रोग्राम जिसमें वो खेल हैं जो भूल गए थे लोग, खो खो, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, लंबी छाल, ऊंची छलांग, मतलब इतना बच्चों में क्रेज के 3 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया उसमें और बच्चे स्टेट लेवल पे, तहसील लेवल पे खेल रहे हैं। और प्लेयर को, जो प्लेयर है जो पंजाब की टीम में है, भले ही वो नेशनल टीम में, उसको घर की चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर उसको राशन की, घर के चूल्हे की चिंता रहेगी तो वो खेल पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसी कड़ी में मुझे परमजीत का जब पता चला कि हॉकी में बहुत अच्छा कर रहा था, चोट लग गई तो पीछे रह गया, बैच आगे बढ़ गया, जो आज हॉकी खेल रहे हैं हमारे देश के लिए 7-8 हमारे पंजाबी प्लेयर उन्हीं के बैच से है, तो चोट ना लगती तो शायद उनके बीच में ये भी होता। लेकिन अब परमजीत की किस्मत बदल चुकी है। मैं किस्मत बदलने वाला तो नहीं, भाग्य बदलता तो नहीं है, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि कम से कम इसको मेंटली टॉर्चर से मैं बचा सकता हूँ कि ये सोचे कि मैं अनाज मंडी में बोरियां ढो रहा हूँ, मैं तो पल्लेदारी कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, मुझे ग्राउंड में होना चाहिए था। हम इसको ग्राउंड में लेके आ रहे हैं ताकि इसका जो काम इसको आता है, जो भगवान ने स्किल्स दिए हैं हॉकी के, वो ये इस्तेमाल करें। और इसके जैसे और भी बहुत से प्लेयर हैं, हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ऐसा फंड रखा है और बजट में भी हमने फंड बढ़ाया है कि जो प्लेयर कुछ बनना चाहता है, जैसे स्कूल ऑफ एमिनेंस है वहां, उसमें खेलें भी, अगर कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो कोचिंग मिलेगी और 8वीं क्लास से उसको कोचिंग मिलने लगेगी तो वो पोडियम तक जाएगा, वरना जितने भी हमारे पंजाब के या कोई भी देश के जीतते हैं वो सेल्फ मेड हैं, अपनी मेहनत करते हैं। मैंने बिना बूट के नंगे पांव भागते हुए बच्चे देखे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको स्टेडियम मिले, उनको अच्छा ट्रैक मिले और शूज मिले, वर्दियां मिले, तो वो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी सिलसिले में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। परमजीत को बधाई हो, जी बठिंडा में ग्राउंड में जाएगा। परमजीत, मान साहब का शुक्रिया किस तरीके से अदा करोगे? शुक्रिया सर, मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं, मेरे को तो खुशी इतनी हो रही है। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद उनका, इन्होंने मेरे को एक बार फिर ग्राउंड के साथ मेरे को अटैच कर दिया। बाकी उनका, उन्होंने और भी बहुत कुछ मेरे को दिया हर तरफ से, उनका मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ भी इतना कुछ मेरे को दे देंगे। बाकी मेरे जैसे और भी जितने खिलाड़ी हैं इस सरकार में, मतलब कि उनका 100% उनका जो भी उन्होंने सोचा है वो होगा, इसकी सबसे बड़ी जीवती जागती एग्जांपल मैं बैठा हुआ हूँ। तो परमजीत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी किस्मत बदल गई है। अब ये मंडी में पल्लेदारी नहीं करेंगे बल्कि हॉकी के ग्राउंड्स पर आने वाले समय के लिए एक नई पीढ़ी तैयार करेंगे, ऐसा जिम्मा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन्हें सौंपा है। कैमरामैन अमन गुप्ता के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।